गर्ल्स के लिए भी सेफ लगता है पेरिस। लैंग्वेज बैरियर है नो डाउट, पर इतना बड़ा मैप है ना, ये ऐसे ही लाने वाला सिस्टम है। टिकट लिखा है खरिया, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और एक एज अ टूरिस्ट के लिए तुम रिकमेंड कर सकते हो। ये प्यार के निशाने RIP लव। मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ, ले रहा मिठाई तो भाइयों जलेबी कहाँ में। साइकिल लोग बहुत प्रीफर करते हैं, वो पेरेट सुना है यहाँ पे 12 यूरो। सो जय शेरम भाइयो, वेलकम बैक टू अवर चैनल शूटिंग आउट इन द वी, होप यू आर डूइंग वेल। सो भाई होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, मौज ले रहे हो गए। सो डे टू इन पेरिस, लेट्स सी हाउ इट गोस। हाँ कोई डिसाइड नहीं है कहाँ जाना है, वैसे शायद हम आईफल टावर और क्रूज राइड और लव और म्यूजियम जाए, बाकी अभी कुछ प्लान नहीं है। अभी बाकी मैं आया हुआ हूँ मेडिकल स्टोर पे रमन भैया के साथ, उनकी तबीयत एक्चुअली थोड़ी सी खराब हो गई है। तो हाँ भाई अब निकल गए हम घूमन, आ गए दम दवाई ले ली। बाकी हमारा हॉस्टल है ऐसा सा लंबा सा, बाकी हॉस्टल बढ़िया है। किसका भैया किसकी भी प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा, देख लेना कैसा सही था आपकी खबर। हमारी गैंग हमारी पहली थी गैंग। सो यार रुक जाओ यार, मत तो जो वीकली पास आता है। बाकी हमने अपने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, उसने कहा कि 5 मिनट की वॉक पे है वहाँ पे मेट्रो स्टेशन, वहां से अपना पास ले लो और वो चलेगा। तो वहां जाके चेक करते हैं कि कैसे क्या सीन है, कि कितने दिन का आएगा और वो कहाँ कहाँ पे चलता है और वो वर्थ इट है या नहीं है या पर राइड इजी रहती है। तो लेट्स सी। तेरी भाई पेरिस की मेट्रो बहुत बड़ी, अब हम जा रहे हैं। ऐसा तो सीन है कुछ हैरी पॉटर की तरह लग रही हो। ओहो बहुत गंदगी, दिल्ली को कंपेयर कर रहे हैं, दिल्ली केजरीवाल इतनी साफ सुथरी रख रखी है। केजरीवाल इनके यहाँ पंजाब में भी झाड़ू ही है, झाड़ू नहीं झाड़ू नहीं है, रड़का रड़का। बाकी ऐसी चीज खिला भाई, यहाँ हम बात करेंगे भाई, ये ऐसे ही लाने वाला सिस्टम है। बड़ी सही चीज है, देख सकते हो जैसे कि ये ऐसा रोल किया, ये एंटर किया, टिकट लिखा है खरिया। ये मुझे पता है, पता है मुझे पता है ये कैसे लगती है, वो बता रहा हूँ गाइस। ये देख रहे हो तुम लापरवाही का नजरिया, हटो हटो हटो। ये देख लो इनका सीन, इसलिए कहता हूँ थोड़ा पढ़ लिख के लिए करो। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस गाइस, बाकी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है क्योंकि ना यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है भाई। नो डाउट लैंग्वेज बैरियर है यहाँ पे, थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो रही है, हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है इस चीज़ों को देख के, बट हम ट्राई कर रहे हैं।
टिकट ही नहीं लगानी है, मैंने इन्हें बताया कार्ड पे स्कैन कर। कोई बात नहीं, मेरी दिल्ली नहीं है ना, दिस इज पैरिस बेबी। गुफा सी है तो देखो क्या चीज बना रखी है। मगर ड्राइवर से पूछ लेते आगे। बाकी बहुत सही क्रिएटिविटी दिखा रखी है, एक नंबर। हम आईफल टावर पहुंचे ना पहुंचे पर भाई मजे बोला। आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट। पहुंच रही है बस चोरी मुझे देख सकते हो। भाई मैं आ गया था गलती से बस में छिछवाड़ी में, बाकी यहाँ कोई है नहीं। अब मैं खुद ही चढ़ गया था खेलना उसके अंदर। अब थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर है नो डाउट भाई, यहाँ पे सारी चीजें समझ। ये सोटी मतलब तो एग्जिट होता है, सोटी ये तो एग्जिट हो गया, बट हमें पता नहीं चल रहा कि हमें आईफल टावर जाना है कहाँ। अभी इतना बड़ा मैप है ना, इसके अंदर बंदा कहाँ ढूंढे क्या, कहाँ पे कहाँ है और हम कहाँ हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, बहुत ज्यादा। आई हियर आईफल टावर, अब इसके लिए हम है कहाँ, इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट है भाई, बहुत डिफिकल्ट, नो डाउट बहुत डिफिकल्ट है। ये देख सकते हो कुछ ऐसी सी दिखती है। असि यहाँ आ गए शत्रुघ्न, घरे तो उतरना है सिग्नेचर लुक तो कर दो एक बार टेढ़ा सा मुंह बना के। मैं पुट्ठा लाया भाई, इधर लगना चाहिए। ओहो बाकी डस्टबिन ऐसा सा लगा रखा है, देख सकते हो। हाँ ये आ गया, हम यहाँ पे चेंज करने। भाई कोई नहीं है, खाली पड़ा, हम ही है सिर्फ। पूछा पूछा ये उड़ा पूछ लो वो तो। यहाँ पे कोई बंदा बैठा है उसे पूछ ले। कहाँ बैठा है? ये जो बोल रहे हैं ना ऑफिस देख, इसका वहाँ से उसे पूछ ले। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग भाई, बहुत कंफ्यूजिंग भाई। मिला लिया भाई, गेम मार दिया। पेरिस मेट्रो के कुछ फैक्ट्स बताऊं तो ये 19 जुलाई 1990 में ओपन हुई थी यहाँ पे, इसलिए तुम्हें बहुत पुरानी लग रही होगी देखने को। सो हाँ 1990 में स्टार्ट हुई थी 19 जुलाई को। सो हाँ बाकी पेरिस के अंदर बाकी बाकी पेरिस के अंदर मेट्रो के अंदर 19 लाइन्स है जो मेट्रो के अंदर नहीं है, पेरिस के अंदर लाइन्स है। सॉरी पेरिस की मेट्रो के अंदर 19 लाइन है, जैसे कि हमारी दिल्ली मेट्रो में होती है वॉयलेट ग्रीन ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे 19 लाइन है टोटल। ये रेलवे स्टेशन है भाई, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं। दादाजी का रोड वाल के चल रहे सारे के सारे, कोई रेड लाइट कोई ग्रीन लाइट कुछ नहीं। भाई को क्या कह रहे हो फैंस, एक बार भाई का सिग्नेचर देखोगे। बाकी अभी जस्ट एक बांग्लादेशी अंकल ने हेल्प करी हमारी, उन्हें हिंदी आती थी।
बाकी गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक, मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जती फील हो रही है ब्लॉग बनाते हुए क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा रोस्ट करा जा रहा है, पर मैं फिर भी आपको नहीं नहीं भाई भरावा असी रोस्ट नहीं करते, हमारा प्यारा भरा है मजाक करते हैं क्योंकि असी सारे खोई बैठे हैं पैर जाके, बट खोई कोई कुछ नहीं बैठे, नजारे पूरे हैं, हां नजारे हैं, ये फीलिंग है यही तो क्योंकि इस टाइम तक तो माल्टा बिल्कुल सुन हो जाता है, हां यहां जब भी हलचल है, हां और वहां जाएंगे चार तो हलचल होगी, सुन के मैं अंदर स्पीकर सुन का टीका लगा दे ओदे, ये क्या होता इंजेक्शन टीका लगा ले लो लगा ले कह रहे, बाकी हम वापस जब मेट्रो में जा रहे हैं उन्होंने कहा मेट्रो ले ले, कौन सा स्टेशन का है बलाद वाला, बाकी बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा अपना बेसिक चीजें पढ़ के आना समझ के आना। बाकी जो माल्टा की क्या बोलते हैं मेट्रो है, इसके अंदर टोटल 308 स्टेशन हैं और वन ऑफ द बिजीएस्ट मेट्रो इन द वर्ल्ड मानी जाती है, और ये चीज़ है भाई बहुत बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे यार, इन सिटीज़ के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, इन सिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम है कि कोई बिल्कुल अटेंशन नहीं देता किसी को, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ है, वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी है वो तुम पे अटेंशन नहीं दे पाएंगे, तुम हेल्प चाहिए या कुछ है। हमने फ्रेंच पीपल से ही पूछा कि भाई हमें आईफल टावर जाना है या जा, एक तो लैंग्वेज बैरियर, ऊपर से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे करना है ये करना है वो करना है, बट हम ट्राई कर रहे हैं, होपफुली अब लाहौर म्यूजियम ऑन द वे पहुंच जाएंगे हम। बाकी एक चीज़ यहाँ पे अफ्रीका के लोग बहुत हैं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, सॉरी हाँ ये बॉन है, बाकी है बहुत सारे बोल लो फिर क्या बोलना चाह रहे काले ज्यादा दिखेंगे, हम कोले कालों में भेद नहीं रखते, भाई कुछ खाना है क्या खाएगा, चिप्स पिज्जा, पर हम कैसे करेंगे यार, भाई क्या खाऊं, तब तो बड़ी दिक्कत वेजिटेरियन आदमी के लिए, थोड़ी सी चीजें कम मिलते तो भाई प्रिंजल से लेके आया, अभी से खाऊंगे, बाकी मांसाहारी लोग चौड़ा थोड़ा तो भाई अब हम जा रहे हैं लाहौर म्यूजियम, लाहौर म्यूजियम वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड है एरिया वाइज, ये पेड़ है बीच में ये बनाई रखा है लुक के लिए, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे रेड लाइट नहीं है उसके बावजूद गाड़ियाँ रुक जाती हैं, हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहे हैं, बहुत सही चीज़ है ये रहा भाई जिसकी हवा है पेरिस में, जिसके लिए पेरिस जाना जाता है, इट इज आईफिल टावर, हम जो देखने आए थे खैर लाहौर म्यूजियम वो हमें दिखा नहीं कहा है, भाई ये है लाहौर म्यूजियम के अंदर इनकी फोटो मोनालिसा की, इनका पोर्ट्रेट है बहुत बड़ा बहुत खूबसूरत,
ये प्यार के निशाने RIP लव यू डैड, अलग अलग तरीके के कॉल्स लव सब बांधते हैं ब्रिज के ऊपर। अब थोड़ा बांधने बांधने का सीन कम हो गया, मेरा तो हिसाब किताब है नहीं, मैं तो अपनी मम्मी पापा के लिए बांध जाऊंगा एक, माता रानी उन्हें हमेशा खुश रखे लंबी उम्र दे। बाकी फ्रांस के अंदर ऐसी भी बाइसिकल्स चलती हैं जिन्हें अपना बार कोड स्कैन किया और चला लिया, फिर जहाँ पे छोड़ रही है अपना छोड़ दिया तो उतना ही पे कर दिया, बहुत सही चीज़ है। बहुत सारे बहुत लोग साइकिल चलाते हैं यहाँ पे, इतनी माल्टा के अंदर साइकिल इतनी देखी मैंने, क्योंकि माल्टा के अंदर ये सीन है वो अप एंड डाउन वाला हिसाब किताब है वहाँ पे। वो एक मतलब कि एक आइलैंड के ऊपर है माल्टा, एक कंट्री है जो, तो वहाँ पे हिल्स है अप एंड डाउन है, तो वहाँ पे ना साइकिल इतनी हो नहीं सकती, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी साइकिल चलानी। बट फ्रांस में मैंने ये चीज़ देखी है और मैंने नीदरलैंड में भी देखी है कि साइकिल लोग बहुत प्रीफर करते हैं, जर्मनी में भी मोस्टली इन कंट्रीज़ में लोग साइकिल को प्रीफर करते हैं, तो मैं साइकिल ही दिखेगी। और यहाँ पे डिलीवरी भी साइकिल पे होती है, डिलीवरी जॉब जो हो गई वो भी साइकिल पे ही होती है। और जो मैंने मिनिमम पे रेट सुना है यहाँ पे इन लोगों का, वो मिनिमम 12 यूरो 13 यूरो बताते हैं। और माल्टा के अंदर डिलीवरी जॉब्स का टोटली डिफरेंट प्रोसीजर है, वहाँ पे तुम्हें क्या बोलते हैं एक तरीके से स्कूटर लेना पड़ता है, साइकिल पे नहीं कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास बैग भी होता है, तुम इतनी ऊपर से कैसे उसे ऊपर चढ़ाई पे लेके जाओगे, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें। बट यहाँ ठीक है, और पेरिस मुझे सेफ भी लगा, नाइट में बहुत ज़्यादा सेफ है, पुलिस आगे पीछे रहती है। और जैसा कि मैंने सुना था पेरिस के बारे में कि पेरिस बहुत ज़्यादा गंदा है, ये है, साफ़ सफाई नहीं है, मुझे तो जहाँ तक है ऐसा, मुझे ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन ही था, लास्ट इम्प्रेशन वाली बात होए माने तो मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा खास गंदा दिखा नहीं, छोटा मोटा है वो तो यार टूरिस्ट प्लेस है तो ऑफकोर्स थोड़ा मोटा तो होगा, बट मेजर बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है पेरिस के अंदर कि तुम्हें एक मेजर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखे, कितनी कुछ खास गंदगी है नहीं। बाकी टेस्ला की टैक्सी चल रही है यहाँ पे देख सकते हो। बाकी एक चीज और बताऊं भाई, बहुत मुझे गर्ल्स के लिए भी सेफ लगता है पेरिस, ऐसे नो डाउट सेफ है, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए और एक एज ए टूरिस्ट के लिए तुम रिकमेंड कर सकते हो, मैं तो टोटली रिकमेंड करूँगा टोटली कि तुम आओ यहाँ पे विजिट करो। देखने वाली चीज़ें हैं, जिसे थोड़ा हिस्ट्री से प्यार है, जिन्हें थोड़ी हिस्ट्री की नॉलेज है उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, म्यूजियम बहुत सारे हैं यहाँ पे, यार मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, और हम सारे फ्रेंड्स आए हैं तो हम तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब नॉर्मल जो बेसिक टूरिस्ट अट्रैक्शन है वही एक्सप्लोर करने आए हैं। बट हाँ बाकी है, अभी क्रिसमस का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्रिसमस आने वाला है तो उसकी भी सेलिब्रेशन चल रही है, तो एक वो भी बहुत सही चीज़ है। तो हाँ बाकी हाईली रिकमेंड टू विजिट हियर। ये सॉवरेन रिवर है, इसके अंदर एक क्रूज राइड होती है, उसमें जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं पेरिस के अंदर वो सारे दिखाते हैं, जैसे कि ये है इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, और ये एक राइड एक पूरा एक सर्कल लगवाती है, उसके अंदर सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स दिखा देते हैं। ये रहा भाई लवर म्यूजियम, वर्ल्ड बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, देख सकते हो कितना बड़ा है। जिसको यहाँ याद हो, यहाँ लूपिन का एक सीन है, लूपिन का, वो जब अपनी फरारी लेके आता है और वो उसके अंदर डाल देता है। मैं एक क्लिप डालूंगा देखना, कभी सोचा नहीं था कि वैसे जो नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखेंगे वो रियल लाइफ में भी जहाँ शूटिंग हुई है वहाँ पे भी आने का मौका मिलेगा। थैंक यू माता रानी, इस काबिल बनाया आपने। बाकी वो क्लिप डालता हूँ देखना, वो इसी राउंड अबाउट में ड्रिफ्ट मारते हुए उसके अंदर घुसा देता है।
कि भाई इसके अंदर एक मोनालिसा की पेंटिंग है लाहौर म्यूजियम के अंदर, दैट्स व्हाई ये इतना फेमस है। और एक्चुअली वो फेमस इतनी है यार, उसके ना एंगल वेंगल मतलब उस हिसाब से वो बना रखे हैं, उसके जो टेक्स्चर्स हैं और उसे जिस चीज़ से बनाया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है मोनालिसा की पेंटिंग। और इसके अंदर है वो ऑलरेडी, अभी मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था, किसी प्रोटेस्टर ने उस पर क्या बोलते हैं पेंट वेंट डालने की कोशिश की थी, सो इसलिए उसे बहुत क्योर करके रखते हैं। बाकी मैंने लूपिन में देखी थी यार, ये वाला म्यूज़ियम मैंने लूपिन में देखा था और फाइनली आज आया हूँ यहाँ पे। ड्रीम्स कम ट्रू भाई, ड्रीम्स कम ट्रू। और अपना मेहनत करो, बस इतना ही कहूँगा, अपना मेहनत करो, मजे लो, अपना एक्सप्लोर करो। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ सारे, ये थोड़ी सेंसर्ड चीज़ें हैं। वन मोर थिंग, मोनालिसा की पेंटिंग फेमस इसलिए भी है क्योंकि ये 1911 में चोरी हो गई थी, फिर 1930 में पता चला था, तो इसलिए भी बहुत फेमस है ये। और अभी तो फिलहाल ये बंद हो गई है, हम अंदर जा नहीं पाए, बट हाँ ऐसा तो कुछ हिसाब किताब है, सेक्सी बातचीत। मिठाई स्वीट्स भाई, जलेबी दिखा, देखो वो भाइयों जलेबी कहाँ मिलते हैं, फ्रेंच में इसका नाम अलग है, ललीबा पता नहीं। व्हाट यू कॉल दिस, द फर्स्ट वन, द ऑरेंज वन, व्हाट यू कॉल दिस वन, सॉरी दिस वन व्हाट यू कॉल्ड, नेम, नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, इस्लाविया, इस्लाविया। भाई ले लिए मिठाई की दुकान, बाकी ट्राई कर रहे हैं, आओ ये करो, आजा रोशनी पर, चिंगम है तो खाली अपने इंडिया जैसी नहीं है क्या, बट ठीक है, ठीक है। बाकी टूनिशिया की है, कह रहा यहाँ से इंडिया गई है तो बोल रहा था। एक तो भाई यहाँ ये बड़ा कंसेप्ट है मेरे समझ के बाहर, किसी को पता है तो समझाना मुझे। बाकी एक ये और टेस्ट कर रहा हूँ मैं, स्वाद है, ये बाम लगा रहे हैं, ये स्वाद है। भाई अब आगे वापस हॉस्टल, सो होप यू लाइक दिस व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो तुम्हें पता है क्या करना है, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखें, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, स्विचिंग आउट, पीस आउट। बाकी नेक्स्ट वीडियो इज ऑल अबाउट, हम जा रहे हैं आईफल टावर देख लें, सो बने रहे, बहुत क्रेजी व्लॉग आने वाला है, और यस